मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। भाजपा विकसित भारत देश बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में चार चरण में चुनाव की घोषणा की है। भाजपा विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। भाजपा प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के लिए जुटी हुई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार जनता मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सात चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा। 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश चार फेजों के अंदर जो घोषित हुआ है 19 अप्रैल 26 अप्रैल 7 मई और 13 मई चार फेजों में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। 29 लोकसभाओं के भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करती है और इन चार फेजों में एक तैयारी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में अमृतकाल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग हो, ये भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और फिर इस चुनाव में करेगी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इस चुनाव के अंदर जो कई बातों का उल्लेख जो किया गया है, नए मतदाता हैं, 100 साल से उम्र के भी देश के अंदर 236 हज़ार मतदाता हैं, इतनी बड़ी उम्र के लोग भी हैं, 85+ यानी 85 वर्ष के मतदाताओं को घर से पोस्टल बैलेट से देने का जो अधिकार दिया है, पहले 80+ था, 85+ किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।